की इस क्लास में हम डेटा पीएलसी के अंदर काउंटर की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। काउंटर कैसे वर्क करता है, इसके लिए हम एक न्यू नेटवर्क यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इसके अंदर हम काउंटर को सीखेंगे। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसके कॉम्बो के अंदर जाएंगे और यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर CNT इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख पाएंगे दो चीजें हैं, S1 और S2। S1 हमारा काउंटर का नाम है, जैसे हम इसको C0 नाम दे देंगे, C0, और S2 हमारा नंबर ऑफ काउंट है, Pset, यानी कि सेट काउंट है, सेट वैल्यू है। तो इसको मैं मान लीजिए डाल देता हूँ 5। ये हमने 5 काउंट यहाँ पर सेट कर दिए और यहाँ पर हम एक पुश बटन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक एनो कॉन्टेक्ट लेंगे और यहाँ पर X2 यानी कि हमारी तीसरी नंबर इनपुट हो गई। X2 को जब हम प्रेस करते जाएंगे तो इसके अंदर काउंटिंग स्टार्ट होगी और जब ये 5 काउंट हो जाएंगे तो उसके बाद हमको कोई मान लीजिए लैंप ऑन करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ब्रांच लेंगे और यहाँ पर हम Y3 लैंप नाम दे देंगे। अब Y3 को ऑन करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्ट लेंगे और यहाँ पर सी जो ये काउंटर है C0 इसका नाम दे देंगे। तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 होगी तो ये Y3 लैंप ऑन हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसको काउंटर के लॉजिक को PLC के अंदर डाउनलोड करना होगा। तो लॉजिक को PLC के अंदर डाउनलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रोग्राम के अंदर भी हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम X2 पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये 012 ये हमारी X2 पुश बटन है, इसको जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे हमारी काउंटर की वैल्यू एक काउंट करते हुए दिखाई देगी। एक बार प्रेस किया तो 1 हो गई, एक बार दूसरा प्रेस किया 2 हो गया, एक बार और प्रेस किया 3 हो गया, एक बार और प्रेस किया 4 हो गया और अब एक बार और प्रेस करेंगे तो हमारा Y3 लैंप ऑन हो जाएगा। एक बार प्रेस किया तो ये हमारा Y3 लैंप ऑन हो गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सीखा कि काउंटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।